हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेस तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा दस की गणित की दूसरे अध्याय के बहुपद की तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है बहुपद के प्रकार क्या है क्या जानेंगे बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार क्या है आज हम लोग बहुपद के मानक रूप सीख जाएंगे और बात बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर के दौरान सीखने वाले हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इस क्लास को जरूर जोड़ दीजिएगा और जो जुड़ गए होंगे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे दोस्तों को भी पता चल जाए कि आज कोई आया है आपको बहुपद पढ़ाने आया है तो चलिए आपके समय को नुकसान ना करते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते होंगे कि हमारे डी स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे आइए अब चर्चा करने वाले हैं बहुपद क्या होता है मैंने पहले से ही लिख के रखा है जिससे कि टाइम की बचत हो बचत हो जाए ठीक तो टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से लिख के रखा है आइए जानते हैं बहुपद क्या होता है लिखा गया है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों का घात धनात्मक अथवा शून्य के रूप का हो वो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है ए भैया समझिएगा जरा सा क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक अब दिमाग में क्वेश्चन उठा दिमाग में खुरापात हुआ कि बीजी व्यंजक क्या है बीजी व्यंजक क्या है अरे बीजी व्यंजक वो होते हैं जिनमें एक्स वाई लगे हों और साथ, साथ में आपकी कोई गिनती वाली संख्या लगी हो अब जैसे देख लो भैया यहां पर यहां पर देखिए भी लगा है दो तीन चार यानी गिनती वाले भी और अक्षर वाले दोनों साथ में आ जाए वो बीजी व्यंजक कहलाता है अब ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर हो चर राशियां कौन है एक्स 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 जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या है चर तो चर राशियों का घात धनात्मक अथवा शून्य हो ए भैया धनात्मक यानी दो एक दो एक धनात्मक अथवा शून्य हो तो वो तो हमारा बहुपद कहलाएगा अगर कहीं घात ऋणात्मक हो जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा ये बात ध्यान से समझिएगा यदि कहीं यक्ष के पावर माइनस एक लिखा दिखाई पड़ जाए यक्स के पावर माइनस दो लिखा दिखाई पड़ जाए तो मेरे गुरु जी ने बताया भाई ये बहुपद नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताइए क्योंकि इनका घात ऋणात्मक है इनका घात क्या है ऋणात्मक है बातें क्लियर हो गई नहीं भूलेंगे ना नहीं भूलेंगे ऐसे बीजी व्यंजक जिनके घातों की संख्या क्या हो धनात्मक हो अथवा शून्य हो वो हमारे क्या कहलाते हैं बहुपद कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है आप देख सकते हैं ठीक क्या देखिए किसी में घात ऋणात्मक आया है नहीं आया है भैया और न तो आएगा अरे आएगा तो बहुपद नहीं होगा जबरदस्ती आया तो बहुपद नहीं कहलाएगा आइए अब हम जानते हैं आखिर बहुपद की घात क्या होती है बहुपद की घात क्या होती है तो सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं क्या हमने पढ़ा आप भी पढ़ लीजिए सबसे बड़ी घात वाले यानी जो बहुपद आपको दिया गया होगा ये आपको बहुपद दिया गया है इसमें सबसे बड़ी वाली घात जो है ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी घात वाले पद तो भाई साहब सबसे बड़ी घात वाला पद ये है इसकी घात कितनी है तीन है पद के घातांक को पद के घातांक कौन है तीन है कि बहुपद की घात कहते हैं यानी इस बहुपद की घात का हो जाएगी तीन हो जाए। आइए जरा सा इनको समझते हैं अब इनमें देखो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है ये है तो इसकी जो घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी अरे इसकी घात तो इसकी घात क्या हो जाएगी एक हो जाएगी तो प्यारे बच्चों डे स्टूडेंट ये दिमाग आपको जरूर सॉरी ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि बहुपद की घात का होती है अधिकतम घात वाले पदों का घात अधिकतम घात वाले पदों का जो घात होगा वो बहुपद की क्या कहलाएगी घात कहलाएगी ये दो और एक ये जो दो है ये बहुपद की घात नहीं होगी ये तीन और दो बहुपद की घात नहीं होगी केवल चार होगा यहां तीन होगा वहां एक होगा बातें क्लियर हो गई अब बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार क्या है भैया बहुपद के प्रकार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहला रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद क्या है ऐसे बहुपद जिनमें चर राशियों का अधिकतम घात एक हो वो क्या कहलाते हैं रैखिक बहुपद कहलाते हैं क्या बताया डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया ऐसे बहुपद जिनमें चर राशियों का अधिकतम घात एक हो वो क्या कहलाते हैं रैखिक बहुपद कहलाते हैं जैसे आप देख सकते हैं इनका अधिकतम घात कितना है एक है हर एक पदों का अधिकतम घात एक है अधिकतम घात एक होगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा और इसका मानक रूप होता है मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो रैखिक बहुपद का मानक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो भैया समझ में आया अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा चलिए क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं आइए दूसरे टॉपिक को समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है ऐसे बहुपद जिनमें चर राशियों का अधिकतम घात दो हो वो क्या कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है ऐसे बहुपद जिसमें चर राशियों का अधिकतम घात का हो दो हो वो क्या कहलाते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं भैया देख लो द्विघात बहुपद अधिकतम घात कितना है दो है ना सबके घातों की अधिकतम संख्या क्या है दो है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा और इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आइए हम लोग तीसरा जानते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है ऐसे बहुपद जिनमें चर राशियों का अधिकतम घात कितना हो तीन हो वो क्या कहलाते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं यानी अधिकतम घातों की संख्या तीन होगी तो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे जैसे आप देखिए इनमें अधिकतम घातों की संख्या क्या है तीन है वो क्या कहलाते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं इनका मानक रूप क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो और लास्ट क्या आता है चतुर्थ घात बहुपद चतुर्घात बहुपद क्या होता है ऐसे बहुपद जिनमें चर राशियों का अधिकतम घात कितना हो चार हो कितना हो चार हो वो कौन से बहुपद कहलाते हैं चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं देख लीजिएगा आप इनके अधिकतम घातों की संख्या कितना है चार है यहाँ पर देखिए अधिकतम घातों की संख्या कितनी है चार है तो कौन से बहुपद कहलाएंगे चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं इनका मानक रूप क्या होता है ए एक्स घात चार बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई e बराबर जीरो इस प्रकार अगर घातों की संख्या पाँच हो जाए तो पाँच घात वाले बहुपद कहलाएंगे इस प्रकार हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो उम्मीद करते होंगे ये जो आज का लेक्चर है वो आपको अटेंड करने के बाद आगे की प्रश्नावली एकदम सरल लगने वाली है तो उम्मीद करते होंगे आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और अगर पढ़ाए गए दौरान किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट आपका रह जाता है वो डाउट क्लियर नहीं हो पाया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू डियर स्टूडेंट